दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम किरठल गांव में हैं और किरठल बागपत का एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव की बड़ी भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रही है और आजादी के बाद बागपत जिले में इस गांव का सियासत में एक विशेष महत्व रहा है। यहां से कई विधायक और सांसद निकले हैं। इसी गांव के इसी आर्य महाविद्यालय से जहाँ पर इस समय मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पढ़ करके कई ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं, IAS निकले हैं, यहाँ से इंजीनियर्स निकले हैं, यहाँ से कवि, साहित्यकार, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और अलग अलग फील्ड में नाम कमाने वाले लोग निकले हैं। इस समय मेरे साथ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त साइंटिस्ट डॉक्टर यशपाल सिंह जी हैं और यशपाल सिंह जी भी यहीं पर आर्य महाविद्यालय में पढ़े हैं। आइए डॉक्टर यशपाल सिंह जी से जानते हैं कि इस आर्य महाविद्यालय का क्या इतिहास है और क्या योगदान है। डॉक्टर साहब, इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 8 मई 1920 में आर्य उपदेशक सभा के नाम से एक संस्था बनाई गई और उसमें इस विद्यालय का निर्माण कराया गया। फिर अंतोगत्वा इसका नाम आर्य महाविद्यालय हुआ और इसमें राम गोपाल बोहरा जी की एक छोटी सी एक कमरा था, उसमें इन्होंने इसका शुरुआत की। और फिर चौधरी कूड़े सिंह उन्होंने अपनी एक छोटा सा उनका बगीचा था वो दिया। और फिर उस टाइम पे क्योंकि देश की व्यवस्था ऐसी थी कि लॉर्ड मैकाले ने हमारी सारी शिक्षण संस्थाओं को सब खराब करने के लिए, हमारी सभ्यता को खराब करने के लिए ये सब गुरुकुल और ये इस तरह की संस्थाएँ जो थी जो हमारी संस्कृति को बनाती थी उन सबको ध्वस्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने काम किया था। उसके विरुद्ध जाकर ये यहाँ पर महर्षि दयानंद के विचारों को रखते हुए इसका ये बनाई गई। और उस टाइम पे चौधरी चरण सिंह, कुंभाराम आर्य और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऐसे ऐसे लोग यहाँ आते थे और यहाँ से बहुत सारे शास्त्री आचार्य देश विदेश में सब जगह नाम इन्होंने इस संस्था का बढ़ाया। और ये जो है इससे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी में एक संस्था बनाई थी और जो गुरुकुल कांगड़ी के नाम से फेमस हुई, उसके दूसरे नंबर पर ये आर्य महाविद्यालय किरठल की शुरुआत हुई। आप हमें पूरे विद्यालय को दिखाएंगे एक बार कि यहाँ पर कहाँ क्या था और कौन कौन बड़े लोग यहाँ पर पढ़े हैं, कुछ नाम अगर आप बताते चले साथ में तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो हम यहाँ चल रहे हैं ये इसका मुख्य द्वार है और ये कक्ष है प्रधानाचार्य जी का, इधर प्रधानाचार्य जी बैठते हैं। और इसके बाईं तरफ ये बलिदान भवन के नाम से एक छोटा हॉस्टल टाइप कहिए ये बनाया गया है और इसके लिए वीर ताराचंद के नाम से इसको किया गया है। ये आवासीय विद्यालय था, ये आवासीय पूर्णतया आवासीय था और इसमें छात्र जो है विद्यार्थी जो थे वो केवल बॉयज थे, गर्ल्स के लिए ये नहीं था। और अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं ये हॉस्टल है, हाँ ये एक छोटा हॉस्टल है एक तरह का ये, और इसके दूसरी साइड में एक जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाए वो उस तरह का है। और इसकी कहानी ये है कि जब है ये 1920 का ही बना हुआ है, ये 1920 के बाद जैसे जैसे आता रहा पैसा, हमारे जैसे पृथ्वी सिंह बेधड़क हुए और बहुत सारे लोगों से पैसा लाते थे और इकट्ठा करते थे, जनता इसके साथ जुड़ती गई, पैसा आता रहा, कोई गवर्नमेंट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। और हमारे पास जो 70-80 बीघा जमीन है कुछ उसका पैसा आता था और पूरा एरिया एक केवल इसमें केवल किरठल का ही सहयोग नहीं है, किरठल के अलावा आसपास के गांव पूरा मेरठ प्रांत और हरियाणा पंजाब राजस्थान तक के लोग इसमें सहयोग करते थे। उस टाइम पर शास्त्री की डिग्री यहाँ से नहीं मिलती थी, लाहौर से शास्त्री की डिग्री मिलती थी। ये लाहौर से एफिलेटेड था उस टाइम, लाहौर से था। फिर बाद में ये वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय जब बना तो ये वहाँ से फिर इसकी डिग्री हुई। ऐसे सेलिब्रिटी बताइए जो इस विद्यालय में पढ़े हुए आर्य महाविद्यालय किरठल में और जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बड़ी जगह बनाई हो। यूँ तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन 5 कोई बड़े नाम आप बताइए। हाँ, एक चरण सिंह शास्त्री जो शामली क्या पूरे मुजफ्फरनगर जिले में जिन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया वो यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीचंद शास्त्री जिन्होंने कोट द्वार में हमारे मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी इनके अध्यापक रहे हैं, वो इसी गांव से ही रहे हैं, इसी गुरुकुल से रहे हैं। और उसके बाद रघुवीर सिंह शास्त्री जो हैं वो भी कक्षा 4 से लेकर यहीं उन्होंने अपनी शिक्षा
पाई है, वो सांसद तक रहे हैं, और महेंद्र कुमार शास्त्री रहे हैं, हरपाल शास्त्री रहे हैं, निरंजन सिंह शास्त्री रहे हैं, ऐसे आचार्यों की एक लंबी फेरिस्त है, जो लंबी श्रृंखला है। यहाँ से चूंकि संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पर होती थी, तो यहाँ से शास्त्री की डिग्री लेकर आचार्य की डिग्री लेकर के अनगिनत लोग पूरे देश भर में सेवाएं दे रहे हैं अपने फील्ड में। हाँ जी, और उस टाइम पे ये होता था कि सरकार द्वारा ये मान्यता जो मैकाले ने की थी कि इस शिक्षा के आधार पर किसी को भी कॉलेजों में एंट्री नहीं मिलेगी, तो उनके लिए वो था कि पहले इंटर करो, बीए करो, फिर वहाँ जाकर फिर उसके द्वारा आओ। तो लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसकी वो कर दी कि सीधे ही शास्त्री करने के बाद आप जो हैं शिक्षण कार्यों में हो सकते हैं। और ये दिल्ली सहारनपुर रूट पे जितने भी कॉलेज होते थे वहाँ पे या तो इस गांव का आदमी होता था शास्त्री, या यहाँ का पढ़ा हुआ आदमी होता था। तो जिसके पास कोई सुविधा नहीं थी कहीं दूर पढ़ाने की, वो वहीं यहीं से आचार्य तक की डिग्री लेते थे। और आर्य समाज के लिए, या आर्य समाज के लिए बहुत लोगों ने काम किया है, निस्वार्थ काम किया है। जैसे पृथ्वी सिंह बेधड़क हर साल वार्षिकोत्सव में यहाँ आते थे, और उन्होंने यहाँ से कोई पैसा नहीं लेते थे, बल्कि अपने आयोजन से जो पैसा आता था वो यहाँ आकर देते थे। और बहुत सारे इस एरिया के जितने भी महाशय लोग रहे हैं उनका विशेष योगदान रहा है। और ब्रह्मचारी विश्वपाल जी जिनको सब जानते हैं, वो भी यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। तो इस तरह तो नाम गिनाए तो असंख्य लोग हैं उस टाइम पे जो ये इस तरह का अतीत इस महाविद्यालय का रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पर गौर करने की जरूरत है। वक्त बदला, नई तकनीकी आई, नई तरह के विद्यालय और कॉलेज पूरे इलाके में आए, ऐसे में ये आर्य महाविद्यालय किरठल कहीं पिछड़ता हुआ भी दिखाई देता है। जैसे वक्त के हिसाब से यहाँ जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन नए सिरे से नहीं किया गया बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। 1920 में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो उसी समय की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं किस तरह की मोटी दीवारें हैं, छत उसी तरह की है, और शू रैक अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए, इस टाइप की समस्याएं हैं। चूंकि इस पूरे इलाके का खून पसीना इस बिल्डिंग को खड़ा करने में लगा उस वक्त, बहुत सारे लोगों ने यहाँ उपलब्धियां हासिल की, लेकिन वक्त के हिसाब से जब आधुनिक दौर आया तो उस समय जब शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा था तब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए था, यहाँ इस तरफ किसी सामाजिक और सरकारी संस्थाओं ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये भी एक इसका दूसरा पक्ष है, इस पर भी यहाँ इलाके के लोग बहुत चिंतित रहते हैं और अक्सर इसकी चर्चा करते हैं। आइए हम आगे पूरा महाविद्यालय आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस समय कक्षाएं भी चल रही हैं और मैं आपको कक्षाओं का दृश्य दिखाता हूँ, किस तरह के क्लासरूम्स यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं ये क्लासरूम है, आप बैठे रहिए। किस किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th। अच्छा, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? अपना अपना नाम बताइए और कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। हैं वंश, आप खतौली के रहने वाले हैं। आप हैं कनियान, आप बरवाला। देखिए आसपास के कई जिलों के गांवों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो इस टाइप का क्लासरूम है। और ये क्या छुट्टी किस दिन रहती है यहाँ? छुट्टी किस दिन रहती है? आज तो इतवार है। नहीं, यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, नमस्कार। बेंच वगैरह नहीं है इसमें, नीचे ही बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, बेंच कभी खरीदी नहीं गई? नहीं जी, मतलब कि हम पुराने समय के अनुसार चल रहे हैं, जो हमारे अच्छा। महर्षि चलते थे। अच्छा, जिस तरह से ऋषि महर्षि जमीन पे बैठ के अध्ययन करते थे, आसन पर, उसी कंसेप्ट पे आप पढ़ा रहे हैं जी। ये ब्लैक बोर्ड है आपका, और यहाँ पर डॉक्टर साहब साप्ताहिक अवकाश रविवार को नहीं होता, तिथि के हिसाब से प्रतिपदा और अष्टमी जी। हाँ, ये
यहाँ पर देखिए पढ़ाई चल रही है। बैठे रहिए आप, बैठे रहिए, बैठे रहिए। ये अध्ययन चल रहा है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पढ़ाया जा रहा है, और ये ब्लैक बोर्ड शायद अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो इसलिए इस टाइप का बोर्ड रखने की जरूरत पड़ी। ये कौन सी कक्षा है? सेवन। अच्छा, आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? अपना बिहार, लखीमपुर। आप कहाँ से हैं? खानपुर। कहाँ पड़ता है खानपुर? मेरठ में। आप कहाँ के रहने वाले? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में कहाँ? मुजफ्फरनगर। आप? मुजफ्फरनगर। उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा तक के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं। देखिए कितना नाम इस महाविद्यालय का है कि कई प्रदेशों के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। शास्त्री जी खुद उड़ीसा से हैं। शास्त्री जी खुद उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो आपको तो हिंदी सीखनी पड़ी होगी पहले, हिंदी और संस्कृत आपने वहीं पे पढ़ाई की थी उड़ीसा में? अच्छा, आप यहाँ पढ़े पहले? अच्छा, यहाँ पे कहाँ हुई आपकी पढ़ाई? अच्छा, गुरुकुल टिकरी प्रभात आश्रम में। फिर आप यहाँ अध्यापन के लिए आए। धन्यवाद शास्त्री। तो इस तरह से आपने देखा कि कई प्रदेशों से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और बड़ी ख्याति एक जमाने में रही है इसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं, अभी कुछ इशू जरूर हैं, लेकिन नाम अभी भी बड़ा है इसका। और ये एक दूसरी क्लास में यहाँ पढ़ाई चल रही है। नमस्कार, कैसे आप सब? कौन सी कक्षा है? आठवीं। आप कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? अपना नाम बताइए। वंश। अच्छा, ये एक दफा आके दूसरी क्लास में भी वंश से हमारी बात हुई थी। कहाँ से आए हैं वंश आप पढ़ने के लिए? खजूरी, मेरठ से। आप? अच्छा, आपका आपका नाम? अंश। सहारनपुर से आए। अनंत, कहाँ के हैं आप? बड़ोर। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा। आप जोर से बोलिए। अच्छा, खाने पीने में क्या मिलता है यहाँ? हैं, कोई भी बताइए क्या मिलता है खाने पीने? सुबह ही नाश्ते में दलिया। अच्छा, एक दिन दलिया एक दिन खिचड़ी। फिर खाना दोपहर में? दोपहर में सब्जी रोटी। अच्छा, शाम को? शाम को भी फिर आलू। अच्छा मिलता है खाना, ठीक है। पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो ये देखिए हरियाणा के बच्चे भी हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर यशपाल सिंह जी ने अपनी किताब कीर्तिवंत किरठल में इसका एक पूरा विस्तृत और विशद वर्णन किया है, और इसके लिए उन्होंने गहन अध्ययन किया इसके इतिहास के संबंध में। यहाँ से जो लोग पढ़ करके निकले हैं उनके बारे में ये देखिए, अनाज स्टोर किया गया है यहाँ पर। ये इस तरह से ये टंकियाँ खरीदी गई हैं, और इन टंकियों में अनाज रखा गया है। सीजन में ही खरीद कर रख लिया जाता है ताकि यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रोज़ाना मार्केट से इतने सारे बच्चों के लिए खरीद कर लाना और व्यवस्था करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता था। प्योरिटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने यहाँ स्टोर कर लिया। ये ऐतिहासिक भवन स्वतंत्रता आंदोलन के समय का है। यहाँ पर राम गोपाल जी की ये कुटिया थी पहले, और कुंदन सिंह यहाँ पर रहते थे राम गोपाल जी, और उसके बाद यहाँ दो बार भगत सिंह जी का भी आना हुआ यहाँ, और बाद में उनको इसी गतिविधि के कारण राम गोपाल जी को और कुंदन सिंह को जेल भी भेज दिया।